एपिसोड 33 का पार्ट 2 विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन वीडियो को, सो लेट्स गो एंड चेक दिस आउट। आप कोई घर तो नहीं है? तुम अपने शौहर से बात करने आई हो मेरी बच्ची? मेरा यहाँ से जाना ही बेहतर है ताकि तुम खुल के बात कर सको। ओ हम सुन रहे हैं बानो। आज तुम बहुत याद आए। आज इतने हुर की बीवी मारिया ने तुम्हारे घर का दरवाजा पीटा, तुम्हें और तुम्हारी हुकूमत को नजिस करके चली गई। मेरा तो दिल चाह रहा था कि जमीन फट जाए और मैं उसमें दफन हो जाऊं। मेरी कुछ ज्यादा कमी भी नहीं थी। उसके शौहर ने भी आज खुदा के घर में मेरे खुतबे को तोड़ दिया, मुझे चोर झूठा और दगाबाज कहा और चला गया। तुम कुछ करोगे नहीं? क्या करूं? तुम तो जानती हो कि ये सब उछलने वाले बनी जुबैर के पालतू चेले हैं। कूफे की आवाम को हमारे खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं। उनकी खयानत सरेआम साबित हो जाने तक मैं कोई कदम उठाऊं ये खिलाफ मसलहत होगा। मेरा दिल इस बात पर जल रहा है कि सारी जिंदगी इज्जत के साथ जीने के बाद आज हम बेइज्जती झेलने पर मजबूर हैं, वो भी उस मनसब की वजह से जिसकी उम्र फूल की तरह मुख्तर सी होती है। आज है और कल धुआं बन जाएगा। ऐसे दिन भी थे कि तमाम कूफे वाले मुख्तार के नाम की कसम खाते थे। हमें कैसी ढारस थी कि जरा कुछ होता था तो हमारा वारिस हमारी फौरन सुनता था। जब से तुम्हारे कदम इस वीरान महल में आए हैं सभी कुछ बदल गया। तुम झूठे दगाबाज और चोर बन गए और मैं एक गिरी हुई औरत। तुमने इसलिए जंगें लड़ी कि आज तुम यहां पहुंच जाओ? क्या ये महल, ये ताज, ये तख्त तुम्हें इतना अजीज है कि लोग तुम्हारे सर को कलम करते हैं और तुम कुछ ना बोलो? सोच समझ कर बात करो नारिया। जंग एक ऐसा फरीजा है जो दीन ने मुझ पर लागू किया है। अगर इसके अलावा कुछ और होता तो मैं भी पिछले बादशाहों की तरह महल और तख्त ताज से चिपक जाता और मेरी बेगमात खुसरवी महलों की मलकाएं होती। तुम और उमरा कल अपने अपने घरों को गई हो, कल मैं भी आ जाऊंगा। कौन सा कल? शायद ये कल 100 साल बाद आए। अगर तुम्हारे दिल में रियासत की तलब ना होती तो तुम इस जादुई महल में एक लम्हा भी ना रुकते। कौन जालिम है नारिया, तुम या मैं? जुर्म नहीं कि एक उम्र मेरे साथ गुजार देने के बाद भी तुम मेरे दर्द को ना समझ पाओ? तुम्हारा मसला कातलाने हुसैन का था कि जिन्हें तुमने मार दिया है। हुकूमत में रहने का कोई अच्छा अंजाम नहीं होता मुख्तार। जरा गिनो तो तुमसे पहले कितने बादशाह इस महल में आए और उनका क्या असर हुआ। देखो इससे पहले कि देर हो जाए अपने आप को और हम को इस मुश्किल से निजात दिला दो। मैं तुमसे गुजारिश करती हूँ मुख्तार, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, कम से कम एक बार मुझ बेवकूफ की बात सुन लो। मैं जब तक जिंदा रहूंगी तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी। कातलाने हुसैन में से कुछ लोग जुबैरियों की पनाह में है और हमारे खिलाफ इतना अंगेजी कर रहे हैं। खुदा ने चाहा तो उनके शर को दफा करके इस कुर्सी को छोड़ दूंगा और हुकूमत को आले अली के हवाले कर दूंगा। और तुम भी मारी और जैसी औरतों के एतराजात पर दिल छोटा मत करो। कुछ दिनों के लिए दिल पर पत्थर रख लो, खुदा तो देख रहा है ना। ये मसलूमियत इस कौम की तोहमतों के मुकाबले में बेअज्र और सवाब न रहेगी। जलजला बंद कर वलवला दिखा दो, बेवा औरतों की आहूबका और गिरिए पर ध्यान मत देना। मुख्तार के सिपाहियों के दफ्तर की कमर तोड़ दो, जो कुछ भी माले गनीमत मिले वो सब तुम्हारा होगा
औरतों के सोने के हार, बुंदे और चूड़ियों से लेकर उन बेजबान सिक्कों तक जो मुख्तार ने अपने सिपाहियों को दिए हैं, ऐसे शब खून मारना कि जैसे मुख्तार की हुकूमत के कल्ब पर गैर से कोई तीर आके लगा। जुबेरी की चेले आ गए। उसे तो छोड़ते ही नहीं लिटरली। कौन हो तुम लोग? क्या कर रहे हो? हमसे क्या चाहते हो? घबराओ मत बुढ़िया, हम मुख्तार के दोस्तों में से हैं। मुख्तार तो औरतों पर वार नहीं करता। तुम्हारा शोहर कहाँ है? शोहर? वो तो एनएल वर्दा की जंग में शहीद हो गए थे। अच्छा, तो फिर तुम मुख्तार की खास हिमायतों से भी माला माल हो। रहम करो, तुम लोग मुसलमान नहीं हो क्या? मेरे पास कोई भी सोना नहीं है, अपना पेट काट के यतीमों को पालती हूँ। रहम करो। ओह माय गॉड, अम्मी मुझे बचाओ, अम्मी बचाओ, अम्मी मुझे बचाओ, अम्मी। इतना काफी है, चलो। अंधे हो? मेरा शिकवा मेरे जख्म है, मेरा शिकवा मेरा वीरान घर है, मेरा शिकवा ना अमन हालात है, मेरा शिकवा ना इंसाफी है। अगर अमीर के कान सुनने वाले होते तो आज इन फकीरों गरीबों का ये हाल ना होता। इसे आने का रास्ता दो सिपाही। आगे आओ बहन, इधर आओ। थूको मेरे मुंह पर। मेरे मुंह में खाक। बिन कामिल, इसी वक्त इब्ने हुर के घर जाओ, उसके घर को वीरान कर दो और उसके घर वालों को कैद कर लो। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि जो हुक्म दे रहा हूं वही करो? बिन कामिल, क्या समझाना चाहते हो? कुछ लुटेरे लोगों के घरों पर हमला आवर होते हैं, तोड़फोड़ और जलाओ घेराव कर रहे हैं, तुम्हारी और तुम्हारे सिपाहियों की इज्जत को पामाल कर रहे हैं, हुकूमत को नालायक और कमजोर दिखाना चाहते हैं, और तुम ये समझाना चाहते हो कि मैं अपने गुस्से को ठंडा कर लूं और नरमी से काम लूं, इतनी रोने की आवाजों को न सुनूं। अगर मैं इन सिपाहियों का सरदार होता तो इब्ने हुर की खाल को नोच कर रख देता। या तो हमें लोगों की जान और माल और इज्जत और आबरू की हिफाजत करनी आती है या नहीं आती। अगर नहीं आती तो बेहतर ये होगा कि हम मर जाएं। इब्ने हुर को मारो यार, निकले आज तक यहां नजर नहीं आ रहे, वो लोग तक निकले नहीं गए उस गम से, उस दर्द से। मुझे लगा था निकल चुके, बड़ा एक्चुअली वो दिखा ही नहीं दे रहे, इतनी नजर नहीं आ रहे।
कल रात औरतों और बच्चों के साथ जो सलूक हुआ है उसके कसास में इस घर को तबाह और बर्बाद कर दो। तबाह कर दो? मुख्तार जैसे खुखार से यही तवक्कु की जा सकती है? तुम्हारा नामर्द शौहर किस सुराख में छुपा हुआ है? नामर्द तो तुम लोग हो जो एक औरत पर हमला कर रहे हो। तुफ है तुम लोगों की गैरत पर। तुम लोगों ने शर्मो हया को बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। अगर कुछ गैरत होती तो अपनी दाढ़ियां मुंडवा कर अबाया ओढ़ लेते और वो ही बेहतर होता। मेरा शौहर बीच मैदान में है, दम है तो जाओ शिकार कर लो, उसके घर वालों से क्या लेना देना। चमगादड़ दिन में तो छुपता फिरता है और रात को मैदान में आ जाता है, उड़ता फिरता है, इसे कैद कर लो। मैंने उस अदलो इंसाफ का फातिहा पढ़ लिया जो गुनाहगार मर्द के बदले में उसकी बेगुनाह औरत को सजा देता है। ओ भाई साहब, वाह, बेगैरत मर्द की बेगैरत बीवी के बालों को घोड़े की दुम से बांध कर घसीटना चाहिए था, ताकि इसके बेगैरत शोहर को पता चले कि यतीमों और बेवाओं के साथ जुल्म करने का क्या अंजाम होता है। मेरा शोहर तुम्हारा फौजी था, उसने कोई कम तलवार चलाई? कम जाने सारी दिखाई उसने? क्यों बागी हुआ वो? हाकिम का फसाद रियाया को बागी बना देता है और सरदार का फसाद फौजी को। तुम लोगों ने मेरे शोहर का हक मारा तो वो तुम्हारा दुश्मन बना, और फिर मेरे शोहर की तुम लोगों से दुश्मनी का मुझसे क्या वास्ता? क्या यही एक मुसलमान का तरीका कि एक औरत पर हमला करके लोगों के सामने उसकी बेइज्जती करके उसका मजाक उड़ाया जाए? क्या यही थी वो अली की अदालत जिसका नारा लगाते थे? शौहर कहाँ है तुम्हारा? मेरा शौहर दड़बदर और बेघर है। अगर मुझे पता होता कि वो कहाँ है तो उसके पास चली जाती और अपने आप को तुम लोगों के पंजों की जद से बचा लेती। इस औरत की जबान हद से ज्यादा तेज है अमीर, मीठी जबान से मुंह नहीं खोलेगी। मुझे किस चीज का इकरार करना होगा? उस गलत तोहमत का जो तुम लोगों ने मेरे शौहर पर लगाई है। किसने देखा कि मेरे शोहर ने कल रात को लोगों के घरों पे हमला करके जलाया, तबाह किया और मारा वगैरह वगैरह? ये तुम लोगों की अपनी चाल है कि तोहमत के जरिए अपने मुखालिफिन को रास्ते से हटाना चाहते हो। मेरे शोहर में इतनी शुजात है कि वो अपने हक को खुल्लम खुल्ला सारे जमाने के सामने मांग सकता है। ये सामने आ गया कि तुम और तुम्हारे बेगैरत शौहर ने बनी जुबैर की मदद से हमारी हुकूमत की कब्र खोद डाली है। साजिश हर लिहाज से नबी तुली हुई है। हाँ, हमारी गैरत और इंसाफ का यह तकाजा नहीं है कि किसी बेशर्म और बदतमीज औरत पर तलवार उठाए। मुमकिन है तुम्हारा बदमाश मिजाज शौहर भी यही तवक्को रखता होगा, जब भी खुद तो चूहों की तरह भाग निकला और एक चुड़ैल को हमारे लिए छोड़ गया। मगर मैं मुख्तार साकफी यह साबित कर दूंगा कि मैं शैतानों की साजिशों से वाकिफ हूं और उनकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। सिद्धांत में डाल दो इसे। कल लोगों के दरमियान तुम्हारा इस तरह किसास करूंगा कि अब तक किसी ने ना देखा ना सुना होगा। हो गया नील बट्टे सन्नाटा, बिल्कुल शांत। इसकी बकवास के धोखे में मत आना मारिया। इसने तुम्हें इसलिए डराया है ताकि तुम डर जाओ और अपने शोहर को रुसवा कर दो। खुल थोड़ी है। बस करो, तुम लोग कितनी नमाज़ें शब पढ़ते हो, तुम लोगों को खुदा का वास्ता। क्या करना चाहता वो कुछ नहीं कर सकता। हम ना करबला में थे, ना हमने किसी का माल खाया है और ना ही लोगों का कोई नुकसान किया है। मैं तो मुख्तार के गुस्से से डरता हूँ, उसने तो कभी अपने पराये पर रहम ही नहीं किया। मैंने तो ये भी सुना है कि उम्र साहब को देग में पका दिया गया है। उठो, अरे सुनो, उठ जाओ। ये इस तरह से डर के बता देगी शोहर के बारे में, आई गेस इस तरह का कुछ है ना। दरवाजा खोलो ना। भाई साहब, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। यहाँ
बगैर तुम। दरवाजा खोलो ना। दरवाजा तोड़ दूंगा, अरे मैं कह रहा हूँ दरवाजा खोलो ना। ये रात को ही आती है बस। खालिद जी। सरदार ये तुम लोग यहाँ क्यों सो रहे हो? सरदार उस औरत से पूछिए जो मुस्तकिल उल्टे सीधे ख्वाब देखती है और डर जाती है। बहुत खूब, तुम लोग मेरी जगह पर जाओ, मैं खुद इधर खड़ा हूँ। जी सरदार, जो हुकुम आपका। अरे यार तो मिला हुआ है। इल्जाम ना लगा दे फिर। यकीन नहीं आ रहा तुम्हें? ये ख्वाब है या हकीकत? समझ लो कि तुम ख्वाब देख रही हो, अपने ख्वाब को जारी रखो, जल्दी करो, वक्त कम है। अच्छा निकालने के लिए। मैं अपने शौहर की गैरत और मर्दानगी पर नाज करती हूँ। और ये बहुत गलत हुआ, ये तो निकाल के लेके चले गया। अरे वो दामा के बेटे का चेहरा देखने वाला होगा जब उसे पता चलेगा कि यह औरत मौजूद नहीं है। मुख्तार का चेहरा ज्यादा देखने लायक होगा। तुम्हारी मदद का शुक्रगुजार हूँ। इब्ने जुबैर की हुकूमत में तुम जिंदाने कूफा के अमीर का ओहदा पाओगी। खुश रहो। तो फिर हमारे हिसाब का क्या होगा? क्या हुआ? मैंने अर्ज किया कि हमारे हिसाब का क्या होगा। कैसा हिसाब? हमने आपस में माहदा तय किया था, मर्दाना वार एक रकम तय की थी हमने। जिंदान का मख्फी दरवाजा 500 सिक्कों के बदले में, जिसका आधा तुमने दे दिया और बाकी आधा तुमने भी देना है। वादा निभा दिया मैंने। तुम्हारी जान की कसम मेरा हाथ खाली है। मेरे पास जो कुछ था उसे मुख्तार से दुश्मनी में लगा दिया। इसका भी इकरार कीजिए कि मैंने भी कोई कम खतरा मोल नहीं लिया है। मुख्तार को जैसे ही पता चलेगा कि मैंने उससे खयानत की है, फौरन मेरी जान ले लेगा। क्या मुझे लाजमन ये रकम अदा करनी होगी? आपके सर की कसम बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। मैंने एक एक दिनार का हिसाब लगाया हुआ था। ये मत समझना कि मैं कोई कंजूस आदमी हूँ, नहीं। जाती तौर पर मुझे उन लोगों से शदीद चिढ़ है जो अपने मालिकों से खयानत करते हैं। बेहतर यही होगा कि तुम अपने हाजतों को पा ही लो ताकि तुम्हें दोबारा कभी खयानत न करनी पड़े। शैतान लोग। इसकी लाश को जिंदान के खुफिया दरवाजे का पहरेदार बना दो ताकि मुख्तार ये जान ले कि लालच के अजदहे ने उसकी हुकूमत को डसा है। कोई मसला तो नहीं हुआ? लगता है जब से अबू उमरा खाना नशीन हुआ है मुख्तार की कमर टूट गई है। तुम लोग ऐसा करो कि जाओ और अभी और इसी वक्त कुछ चालाक बदमाश और बेमिसाल लोगों को जमा करो। चार गुरहों में बट जाओ और चार मोहल्लों पर शबकून मार दो और सिपाहियों को उलझा के रखो ताकि इतनी देर में हम कूफे से दूर निकल जाए। जैसे ही खतरा टल जाए जिसरे अकबर पर आकर हम लोगों से मिल जाना। इंतजार करूंगा।
पे कुर्बान जाऊँ। बजाहिर कैद खाने के सिपाहियों को सरदार जंदान के मख्फी रास्ते से भाग निकला है, अब क्या वादा क्या है वो तो खुदा ही जानता है। खयानत, रिश्वत, कुफ्र, इस कदर बेगैरती और पस्ती पर मैं मुख्तार को क्या जवाब दूंगा? एक सिपाही ने खामोश। एक फौज का बागी हुकूमत के अड्डे पर हमला कर देता है, उसका निवाला चुरा कर भाग निकलता है और हम पर और हमारी हुकूमत पर कहकहा लगाकर हंसता है, कैसा लगता है बताओ मुझे? ऐसी हुकूमत जिसके तमाम साहिबाने मनसब अफराद अंधे गूंगे और बहरे हैं। ऐसी हुकूमत के बाकी रहने की उम्मीद रखी जा सकती है क्या? यह हमारा ही कसूर है जो भुगतना पड़ रहा है। इब्ने हुर का सारा किस्सा हमारे अपने किए की सजा है। एक पूरी हुकूमत की इज्जत और तौकीर सिर्फ चंद दीनार रिश्वत के बदले में। मैंने फातिहा पढ़ ली है इस हुकूमत की, तुम लोग भी पढ़ डालो। नहीं अमीर। ओ फाइनली अबू उमरा अस्तकियान। मुझे अभी भी इस हुकूमत के बका की उम्मीद है। तुमने हम सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं कियान, तुम्हें हक है कि तुम बावल न करो, मगर हकीकत कभी कभार इतनी तल्ख होती है कि तुम आरजू करोगे कि काश कोई हकीकत न होती। यह हुकूमत सकरात के आलम में है, फिक्र करो इसके कफन दफन की। हुकूमत बीमार है ये मान लिया, मगर इसका इलाज नामुमकिन नहीं। हुकूमत के आला अफसरान ना तो अंधे हैं और ना ही बहरे। इस हुकूमत की जड़ में एक ऐसा गहरा जख्म है जो पिछली हुकूमतों की मीरास है। निचले दर्जे के सिपाही ज्यादातर जरूरतमंद और सुस्त हैं, जल्दी धोखा खा जाते हैं, रिश्वत के सामने ढीले पड़ जाते हैं। यस। जिस रात हुरमला ने मेरे अहले खाने पर हमला किया, मैं उस रात एक अजनबी के हुलिये में कूफे के मोहल्लों में घूम रहा था ताकि कानून के मुहाफिजों और सिपाहियों पर नजर रख सकूं। उस रात मैं मसले की जड़ तक पहुंच गया। बीवी और बच्चे के दाग ने मुझे मौका न दिया कि इस बारे में आपसे बात कर सकूं। उस रात एक सिपाही मेरे माल पर बुरी तरह से नीयत खराब कर बैठा। इब्ने हुर ने कोई नई हरकत नहीं की है, इन्हीं सिपाहियों में से कुछ को खरीद कर जिंदान तक रसाई हासिल कर ली। सिपाही उस वक्त बिगड़ता और खयानत करता है जब वो जरूरतमंद हो, उसकी जरूरत को पूरा कर दीजिए, वो दिलो जान से खिदमत करेगा। क्या बात? ना उम्मीद नहीं करूंगा तुम्हें कियान, शायद तुम और तुम्हारे साथी मसीहाई मौजजा रखते हो और इस हुकूमत के मुर्दा जिस्म में रूह फूंकने आए हो ताकि इस मुर्दे को दोबारा जिंदा कर सको। बिस्मिल्लाह। ऐसा ही होगा। That's it। एपिसोड 33 यहाँ पे खत्म होता हुआ। लिटरली मेरा फोन इतना हीट हो रहा है, एक बार बंद भी हो गया था जिसपे मैं वीडियो देख रहा हूँ, बहुत हीट हो जाता देखते देखते ही, इसलिए इसे बंद रखना पड़ता है। तो यार दैट्स इट, ये था एपिसोड 33 यहाँ पे खत्म होता हुआ लिटरली, ठीक है 33 यहाँ पे खत्म होता हुआ। मारिया जिसको कैद कर लिया था हस्ते मुख्तार ने,
इस पार्ट के अंदर में वो निकल चुकी है। उसका जो हस्बैंड है इब्ने हुर, वो ज़ुबैर के साथ मिल गया है, कुछ पैसे वैसे के चक्कर में लाए, उसने पैसे में तोल दिया है इसको इब्ने हुर को, तो वो हस्ते मुख्तार के खिलाफ सा हो गया। बिकॉज हस्ते मुख्तार से वो ज़्यादा पैसे चाहता था, वो उसने हस्ते मुख्तार ने वो नहीं दिया, क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है, अपन ने पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर रखा है कि आखिर क्या रीज़न है कि वो पूरा पैसा नहीं दे सकते एक ही इंसान को, प्रॉपर बैठता है एंड सबके पोजीशन के हिसाब से उनको पैसे मिलते हैं, बहुत सिंपल सी बात है भैया, है ना। तो इसके चलते उसको और चाहिए था, तो उसने नहीं दिया, तो वो हट चुका है, हटा दिया गया है। एंड उसके बाद अभी अली ज़ुबैर के फ़ौज में है वो, तो कूफे पे हमला कर रहा है, लोगों को मार रहा है, औरतों को मार रहा है, परेशान कर रहा है। इसी के चलते लाइक वो तो सिर्फ रात को ही आता है, दिन में दिन नज़र कहीं नहीं आता है, वो सिर्फ रात को ही आता है, इस तरह के कांड करता है और निकल जाता है। इसी के चलते उसकी वाइफ को पकड़ा था, बट उसने अपनी वाइफ को छुड़वा लिया। मुझे पता है पहले ऐसी क्या लगा, मुझे पहले ऐसी लगा कि ये सब मिलकर उसकी वाइफ को मार देंगे, क्योंकि अगर उसकी वाइफ को मार दिया जाता तो हस्ते मुख्तार पर बहुत बड़ा सवाल उठ जाता, अगर जिंदान के अंदर उसकी वाइफ को मार दिया जाता तो मारिया को, क्योंकि उसका हस्बैंड इब्ने हुर इस तरह का है, मुझे ऐसा लगा कि वो मार देगा, क्योंकि अभी उसने खुद एक सिपाही को मार दिया जिस सिपाही ने उसकी हेल्प करी थी। तुम समझो क्या सोचे, किस तरह की मनोस्थिति है उसकी, उस शख्सी इसकी इब्ने हुर की, वो कुछ भी कर सकता है, बहुत सिंपल सी बात है। तो मुझे ऐसा लगा कि वो अपनी वाइफ को मार देगा एंड उसके बाद बहुत बड़ा सवाल उठ जाता हस्ते मुख्तार पर कि मारिया कैसे मर गई अंदर जिंदान के अंदर में। ये भी एक चाल हो सकती थी लाइक एक बड़ा सा मुद्दा खड़ा करने के लिए, हुकूमत के लिए भी हो सकती थी, लाइक अली ज़ुबैर की हुकूमत इससे और पक्की हो सकती थी कि लोग हजरत मुख्तार पे भरोसा कम करते। अब भले ही वो बहुत ये है वो है, लेकिन वो एक लेडी थी, अगर वो मर जाती तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, बट एक्चुअली ऐसा कोई सीन नहीं है, तो बहुत आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन हो गया। वो अपनी वाइफ को बचा के लेके गया, वाइफ के लिए आया था, वाइफ को बचा के लेके गया, बिकॉज वो एक आखिरी उम्मीद थी उसकी वाइफ को, अगर रखते तो उसका हस्बैंड आता एंड उसको पकड़ सकते थे छुड़ाने के लिए। बहुत टर्टर करती थी उसकी वाइफ, लेकिन जिंदान में रखा, उसके बाद शांत सी हो गई थी, है ना। लेकिन फिर से एक किसी सिपाही ने अपना ज़मीर बेच दिया पैसों के खातिर, पैसों के चलते, एंड कोई खुफिया रास्ता के ज़रिए उसने उसकी वाइफ को उसके हस्बैंड के साथ निकलवा दिया वहाँ से, एंड बदले में उसे क्या मिला, उसे मौत मिली। बहुत सिंपल सी बात है, ये इसकी हालत इसी की तरह हो गई ना। वो जो शिमर को एक ठीक करने के लिए एक आदमी आया था जिसने घाव ठीक किया था, ज़्यादा पैसे की मांग किया, कुएं में डाल दिया शिमर ने उसको, ले भैया तो जा तू कुएं में, सीधी सी बात है। इस तरह का सीन उसके साथ कर दिया कि ये ऐसी होती, विलन्स लोग ऐसे ही होते हैं। आजकल की मूवीज़ वगैरह में भी तुम विलन्स देखोगे लाइक जिस चीज़ की डिमांड करते सामने वाला वो नहीं देता, आधा देता है, तो सामने वाले के पास कोई रास्ता नहीं होता तो सीधा उसे मार देता है, यही सीन है भैया। तो यही था इस पूरे पार्ट के अंदर, एपिसोड 33 के अंदर। अभी मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ बिकॉज बहुत हीट हो रहा है, फ़ोन जिससे मैं वीडियो देखता हूँ वो इतना हीट हो जाता है, वो फ़ोन जो है ना बंद हो जाता है लिटरली, वहाँ पे कुछ सेकंड्स आ जाते हैं, बिकॉज छोटा फ़ोन है मेरे पास, उसमें मैं वीडियो देखता हूँ, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मैं इस पे छोटे फ़ोन में देखता हूँ, तो ऐसे इसी में देखते देखते फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है तो बंद हो जाता है फ़ोन लिटरली, तो फिर वीडियो मुझे बीच से कट करनी पड़ती है, इसलिए कभी कभी वीडियो तुमने देखा होगा बीच में कट हो जाता है, लाइक बीच से जोड़ना पड़ता है, तो फिर वो प्रॉपर लाइक सिंक करने बहुत दिक्कत होती है, रिएक्शन वीडियो सिंक करना पड़ता है प्रॉपर, इसलिए दूसरे वाले वीडियोज़ के लेयर्स के साथ में सिंक करना पड़ता है ऑडियो को प्रॉपर, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इस तरह का अगर हीट हुआ बीच में और फिर सामने वाला फ़ोन ही बंद हो जाए तो मैं देखूंगा किस पे, तुमको दिख जाएगा मुझे नहीं दिखेगा, लेयर चलती रहेगी तुम्हारी तरफ पर यहाँ नहीं चलेगी, इस तरह का सीन हो जाता है। इसीलिए मैं सिर्फ रिएक्शन नहीं करता हूँ, बट ये बहुत बड़ी सीरीज़ है भैया, बहुत सिंपल सी बात है, इसलिए बहुत फ़ोन हीट हो रहा है एंड बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, ऊपर से और भी ज़्यादा हीट हो जाता है, ये अभी भी बहुत हीट हो रहा है ये फ़ोन। यस, तो याद दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत टाइम हो रहा है, रात के 1:30 बज रहे हैं, मैं 1:30 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बी सेफ बी हैप्पी, पीस आउट, क्या ली मदद, लव बाई क्या उसे।